लेकर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। किसान खाद न मिलने के चलते परेशान दिखाई दे रहा है, तो वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। हालांकि सरकार के द्वारा खाद की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए टीमों का भी गठन किया गया है, जो लगातार छापेमारी कर रही है। बावजूद इसके किसानों को समय से खाद नहीं मिल पा रही, राजधानी लखनऊ के किसान भी परेशान है। खाद लेने वाले किसानों की सैकड़ों की तादाद में भीड़ दिखाई देती है। वहीं अगर हम यूरिया खाद के दामों की बात करें तो इसका सरकारी दाम 66.50 रुपए निर्धारित किया गया है, बावजूद इसके इन सरकारी खाद डिपो पर किसानों से 70 रुपए वसूले जाते हैं। और ऐसा ही कुछ नजारा लखनऊ के मोहनलाल गंज विकास खंड अंतर्गत गौरा साधन समिति में खड़े हुए दिखाई दिए। इंडिया न्यूज के संवाददाता जय शुक्ला ने इसका जायजा लिया है, आप भी देखिए। उत्तर प्रदेश में खाद को लेकर के हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, किसान परेशान है। आपको बता दें इस समय हम सूबे की राजधानी की तस्वीर दिखा रहे हैं, ये मोहनलालगंज का गौरा जो साधन समिति है, आप देख रहे हैं यहाँ पर भी सुबह से ही किसानों की भारी तादाद में भीड़ देखने को मिल रही है। सब तरफ जो भी किसान है, हमारे पीछे भी आपको दिखाना चाहेंगे, देख रहे हैं हर तरफ सारे किसान बैठे हुए हैं। इस तरफ भी देख सकते हैं कितने सारे किसान हैं जो खाद के लिए बैठे हुए हैं, कब से इंतजार कर रहे हैं, उन्हीं से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? बहादुर। बहादुर, कब से इंतजार कर रहे हैं आप? 8 बजे से। 8 बजे से इंतजार कर रहे हैं। खाद क्या बताया, मिल रही कि नहीं? नहीं, अभी तक नहीं मिली। अभी नहीं मिली है। कितने बार वापस जा चुके हैं? दो बार। बिल्कुल, यह देख रहे हैं किसान जो है सुबह से ही बैठा हुआ है लाइन लगा करके, घंटों हो गए हैं, अभी तक किसानों को खाद नहीं मिल रही है। हम अंदर भी आपको दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं किस तरह से सारे दस्तावेज लेकर के बुजुर्ग किसान बैठे हुए यहाँ पर। क्या नाम है दादा आपका? हाँ सर। क्या नाम है आपका? भाईकू। भाईकू, कितनी उम्र है आपकी? अरे हमारे तो 90 साल तक की उम्र हुआ है। 90। तो यहाँ हम देख रहे हैं आप किसान भाई लेकर बैठे हुए, खाद मिली आपको? नहीं मिली। क्या कह रहे हैं? कितने रुपए बोरी मिल रही है? अभी सर हम आपकी ले नहीं गए, हम नहीं जाने। क्या हर बार फोटो कॉपी मंगाते हैं? हर बार फोटो कॉपी मंगाते हैं? आप बताइए क्या कह रहे हैं, हर बार हर बार नहीं, इस बार ले रहे हैं? इस बार खाली ले रहे हैं? बिल्कुल, यार देख रहे हैं कि बुजुर्ग कितना बता रहे हैं? 270 सर। 270 बता रहे हैं। वोट के पीछे 270 ले रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं कि हर तरफ त्राई त्राई मची हुई है खाद को लेकर के। इतना बुजुर्ग आदमी बैठे हुए 90 साल उम्र बता रहे हैं, और ये सुबह से खाद के लिए इंतजार कर रहे हैं। हम आपको अंदर भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर पूरा काम चल रहा है। रेट हम आपको पीछे दिखाएंगे, सबसे पहले जो बोर्ड पर लिखा है, अगर हम डीएपी का रेट बताएं तो 1150 रुपए लिखा हुआ है, और यूरिया अभी शायद 266.50 रुपए लिखा हुआ है साफ, हालांकि समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर अंदर कार्यालय में चलते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर वितरण कर रहे हैं लोग, उनसे बात करते हैं। सर, खाद आपके यहाँ आ गई है? हाँ आ गई है। कितने बोरी आई है? 400 बोरी आई। 400 यूरिया? जी जी। अच्छा, बाहर बोर्ड में जो रेट लिखा हुआ है किस हिसाब से दे रहे हैं आप लोग? वही देते हैं, और क्या, लोग आते हैं। कितने रुपए बोरी दे रहे हैं? 260 रुपए। लेकिन बाहर जनता कह रही है कि 270 रुपए वसूले जा रहे हैं। नहीं नहीं, 260-250 रुपए ले रहे हैं हम। अच्छा, कितने दिन बाद स्टॉक आया आपके यहाँ? स्टॉक कब आया? तो करीब जो है ये, हाँ मान के चले, मान के चले कब तक। इतनी किल्लत हो रही है इस समय खाद को लेकर के? खाद की दिक्कत है, हमारी चेक बहुत पहले लगी हुई थी यहाँ पे, अभी मेरी एक चेक और लगी हुई है, क्योंकि अभी खाद मतलब एक गाड़ी में जो मिल पाई है, और सुना एक गाड़ी और मिलने वाली आने वाली है। अच्छा, इसी वजह से समस्या हो रही, समय में मिल नहीं पा रही। हाँ समझ। क्या नाम है आपका? विजय नाम है। विजय, यहाँ पर क्या है? सचिव है। सचिव, बिल्कुल। यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से जो लोग हैं उनको किस तरह से किल्लत हो रही, किसानों को किल्लत हो रही, क्योंकि ऊपर से स्टॉक नहीं आ रहा, जैसा कि यहाँ पर जो मौजूद सचिव हैं उन्होंने बताया। हालांकि जो किसान आरोप लगा रहे हैं कि उनसे 270 रुपए वसूले जा रहे हैं, तो एक ये भी एक सवाल उठता है कि आखिर किसानों से इस तरह से जो खाद है उसके रेट ज़्यादा क्यों लिए जा रहे हैं, इसमें भी एक बड़ा सवाल उठता है। देखने वाली बात है कि आखिर समय से किसानों को सरकार किस तरह से खाद मुहैया करा पाती है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। और एक बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, सीधे उसी का रुख करेंगे। बड़ी खबर कानपुर, साथ ही साथ हम आपको बता दें कि हमारे सहयोगी जय शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जय, आपका रुख करेंगे, क्योंकि लगातार पूरे प्रदेश भर से इस तरह की खबरें हैं, किसान इस बात को लेकर के लगातार अपनी बात कह रहा है कि उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है, प्रशासन कह रहा है कि खाद मिल रही है, आखिर कमी कहां पर है?
बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से इस समय पूरे प्रदेश में खाद को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, जो अन्नदाता है, जो किसान है, उसको समय पर खाद नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें इसमें धान की फसल का मौसम चल रहा है और किसानों को यूरिया खाद की सख्त आवश्यकता है। कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि जो भी, चाहे वो सरकारी खाद डिपो हो या बाजार में हो, कहीं भी खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही। अगर कहीं बाहर की अगर हम बात करें, अगर खाद उपलब्ध भी होती है तो उसके लिए कहीं ना कहीं लोगों ने जो स्टॉक कर रखा है, किसानों से महंगे दाम लेते हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने इसको लेकर के बाकायदे टीमें गठित की हैं कि ऐसी जगह जहां पर स्टॉक किया गया हो वहां पर छापेमारी की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। योगी सरकार भी काफी सख्त है ऐसे लोगों पर, राशुका जैसे तमाम नियम लगाने के लिए बताया जा रहा है कि उन पर कड़ी कार्रवाई की, नियम लगाने के लिए बताया जा रहा है कि उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो देखा गया है कि किसान जो है सुबह से ही जो समितियां हैं, सरकारी समितियां, वहां पर लाइन लगाकर बैठ जाता है। इस समय की सघन समिति होती है, खाद डिपो होता है, वहां पर मौजूद है और हमारे पीछे देख सकते हैं कि वो एक समिति, कुछ लोग आप देख रहे हैं कि वहां पर खड़े भी नजर आ जाएंगे जो कि खाद के लिए, पता करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि खाद है कि नहीं है। तो ऐसे ही तमाम ऐसी समितियां जहाँ पर लोग सुबह से ही खड़े हो जाते हैं, किसान आ जाते हैं, पता बिल्कुल है कि खाद है कि नहीं है। फिर से और खाली हाथ लगता है। क्योंकि गोरखपुर से हमारे साथ सुशील लगातार मौजूद है, सुशील का भी रुख कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं।